हेलो गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर का महीना लास्ट मंथ है और यहाँ पर एक साथ में तीन तीन आईपीओ आ गए, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर के मन में अभी सवाल आ रहा है कि कौन सा आईपीओ बेस्ट है और हमें किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अपने चैनल पर अपने वीडियो पर लेकर के आ रहा हूँ सभी के वीडियोज़। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले अवांस होल्डिंग्स के आईपीओ के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी का कामकाज क्या है और उसके एसेट्स वगैरह रेवेन्यू वगैरह क्या है, उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आईपीओ में आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिले, कहीं कहीं पर आपको लॉस भी हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अवान ग्रीन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर डिसाइड करना है आपको इसमें अप्लाई करना है नहीं करना, उसका लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देख लीजिए 2009 में ये कंपनी शुरू हुई थी। कंपनी मुंबई की कंपनी अवांस होल्डिंग्स अवांस ग्रुप की वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है दोस्तों। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी के द्वारा पेश किए गए आईपीओ में 345.70 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पेशकश, 102.6 करोड़ रुपए के 38 लाख नए इक्विटी शेयर्स जारी किए जाएंगे, जबकि प्रमोटर्स अभिषेक बंसल अपनी हिस्सेदारी 243 करोड़ रुपए के 90 लाख इक्विटी शेयर्स बेचेंगे। तो जो इसके प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी यहां से बेचने वाले हैं। यह आईपीओ 15 दिसंबर गुरुवार को समाप्त हो जाएगा। इन्वेस्टर कम से कम 55 शेयरों के लिए यहां पर बोली लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहां पर देखें कंपनी की अतिरिक्त जानकारी में, कंपनी आरबीआई रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी का संचालन करती है और वर्तमान में भारत के अलावा यूके, सिंगापुर, यूएई, चीन और मॉरिशस सहित 6 देशों में सक्रिय कारोबार करती है। तो 6 देशों में यहां पर कारोबार करती है मल्टीनेशनल कंपनी, आप इसे कह सकते हैं। कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर की 60% इक्विटी शेयर्स रिजर्व रखे, 60% हिस्सेदारी इसमें प्रमोटर्स की, जो कि आईपीओ आने के बाद में कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, जबकि गैर संस्थागत निवेशकों को ऑफर का केवल 30% हिस्सा मिलेगा, शेष 10% योग संस्थागत निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। आरएमएन फाइनेंशियल सर्विस इश्यू के एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि बिग शेयर सर्विसेज को इश्यू के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के शेयर बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होने वाले। तो ये तो कंपनी के बारे में आपने जान लिया, आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इसका लेटेस्ट जीएमपी क्या है वो देख लेते हैं। अवांस होल्डिंग्स का लेटेस्ट जीएमपी 10 रुपए के आसपास और बिल्कुल ना के बराबर। प्राइस जो इसकी ठीक ठाक है 270 रुपए कट ऑफ प्राइस, 4% का लिस्टिंग है आपको मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि ना के बराबर। अब आपके मन में सवाल आता है अगर हम एक लोट के लिए अप्लाई करें तो हमें कितना मिलेगा लिस्टिंग गेन, तो यहाँ पर 10 रुपए जीएमपी चल रहा है। इसका एक लोट के लिए आप अप्लाई करेंगे अगर, तो 55 का लोट है ये, तो आपको 550 रुपए के आसपास का लिस्टिंग गेन मिल रहा है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। जिस तरीके की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी का काम काज है, 6 देशों में कंपनी काम काज करती है, फिर भी इतना कम जीएमपी, इतना अच्छा इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला है फ्रेंड्स जितना इसको मिलना चाहिए। तो इसके लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट कुछ डेट्स पर नजर डालने वाले हम यहाँ पर देखेंगे। आईपीओ ओपन कब हो रहा है, 12 दिसंबर को ओपन हो रहा है, क्लोज हो जाएगा ये यहाँ पर 15 तारीख को। आईपीओ का साइज देखेंगे 346 करोड़ रुपए का है। फ्रेश इशू इसमें से देखेंगे तो ये देख लीजिए इतना ऑफर फॉर सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारियां बेच करके बाहर निकलेंगे। फेस वैल्यू देखेंगे 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर, प्राइस बैंड 256-270 के आसपास रखा है। अगर आप चाहते हैं आपको मिले तो कट ऑफ वाले प्राइस पर आपको अप्लाई करना, दोनों जगह लिस्टिंग होगा। एक इस आईपीओ की सबसे अच्छी बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसमें आप अगर अप्लाई करते तो 100% ये आईपीओ आपको मिल जाने वाला, कोई चांस नहीं है कि आपको यह आपका पैसा रिफंड होगा, आपको मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, रिटेल कोट आप देख लीजिए 60% रखा है इन्होंने यहाँ पर, अमूमन 35% होता है या फिर 10% के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 60% रखा है, इससे चांसेस बहुत ज़्यादा है आईपीओ आपको मिल जाए। और अभी इतना फिलहाल सब्सक्राइब भी नहीं हुआ, इससे भी चांसेस आपको बनते मिलने। क्यूआईबी कोटा पर बात करेंगे 10% है, एनआई कोटा 30% के आसपास है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक लोट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 55 शेयर्स मिलेंगे, 14,850 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, मैक्सिमम आप 13 लोट ले सकते हैं जैसा कि हर आईपीओ में होता है, जिसमें 715 शेयर आपको मिलेंगे, 1,93,050 रुपये आपको पे करने होंगे। अगर आप एचआईएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम आपको 14 लोट लेने होंगे, मैक्सिमम 68, और इसकी प्राइस रेंज और शेयर्स की संख्या आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ प्राइस बैंड अनाउंसमेंट कब हुआ था, 6 तारीख को, 9 तारीख को एंकर इन्वेस्टर को अलॉटमेंट हो चुका है, 22 तारीख को रिटेलर्स के लिए ओपन हुआ, 15 को क्लोज हो जाएगा। बेसिस अलॉटमेंट जो है 20 तारीख को आएगा, अगर आपको मिल जाता तो जो भी आपका डीमेट अकाउंट हो 22 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में इसके शेयर दिखने लगेंगे, अगर आपको नहीं मिलता है तो 21 तारीख को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। फाइनली अवांस होल्डिंग्स की आईपीओ लिस्टिंग डेट 23 तारीख है, तो यहां से 23 तारीख को आप इसके शेयर खरीद सकते बेच सकते, अगर आपको मिल गया तो इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से काफ़ी लो दिख रहा है आपको, लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, कंपनी का कामकाज मैंने बता दिया, मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला नहीं हूँ, तो
क्योंकि बिल्कुल कम लिस्टिंग गेन मुझे देखने के लिए मिल रहा। अगर मुझे यहाँ से 1500 के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलता हुआ दिखेगा तो मैं इसमें अप्लाई जरूर से करूंगा। तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा लास्ट दिन का, क्योंकि अभी इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे तो इतना कुछ खास नहीं हुआ है, तो हो सकता है लास्ट दिन इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने के लिए आपको इफेक्ट देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 0 है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 0.12, और रिटेल कैटेगरी के अंदर भी आप देखेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर। टोटल सब्सक्रिप्शन इसका आप देखते हैं 0.11 गुना के आसपास, वो बिल्कुल ना के बराबर। तो मैं यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति में रहूंगा दोस्तों। लास्ट दिन 15 तारीख को यहाँ पर इसका सब्सक्रिप्शन देखूंगा, ओवर सब्सक्राइब अगर ये आईपीओ यहाँ पर होता है तभी मैं इसमें अप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं इसे अवॉइड कर दूंगा।